श्री कृष्णकनैयाजानंदस्वामी की श्री, श्री प्राणनाथ प्यारे की होए हकसे, हो हो हकसे। श्री कृष्ण की नेवा प्रकर ब्रह्मात्माएं और दुनिया दोनों का विवरण समझाया है अरवाह आशिक जो अरस की ताके हृदय हक सुरत परमधाम की आत्माएं अनुरागिणी आत्माएं आत्माएं, उनके हृदय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप अंकित होता है निम्ख न्यारी हो सके मेहभूव के मूर्त उनके हृदय से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता सदैव सदा सर्वदा के लिए उनके हृदय में अंकित होता है और अना पैठ पावे पैठने इतबका भी खिलवत दिव्य परमधाम में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के निकट दूसरे कोई जा नहीं सकते और ये खिलवत कहने से मूल मिलावा मूल मिलावा के अंदर दूसरे तो कोई जा ही नहीं सकते बकार साजिम में कौन आवे बिना निश्वत ऐसे दिव्य परमधाम में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंगनाओं के अतिरिक्त दूसरे कौन आ सकते और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात तो वहाँ पर मूल मिलाओ में देखें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सानिध्य में देखें तो उनकी अंगनाओं के अतिरिक्त दूसरा कोई होता ही नहीं है जात माहे हक वाहत हक हादे गिरो कहलाता अब हक जात कहते हैं तो उसमें क्या क्या आएंगे तो अंगनाओं में तो हक हादे गिरो कहलाता उसमें इस अद्वैत में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में उनके अंगना उनके अंगना के रूप में श्री श्यामा जी और ब्रह्मात्माएँ कहलाती हैं वस्त्र भूषण मेरे दिल में बैठे आए अक्षरा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर मेरे हृदय में आकर के बैठ गए हैं हके सोई किया अरस अपना रू अटूक का हो बल जाए तो अक्षराथित धाम ने तो इस हृदय को भी परम धाम बना दिया किंतु तो ये आत्मा है तो ये इतना होने पर भी शरीर में टिकी हुई है इसलिए तो ये तो टुकड़े टुकड़े होकर के जल वल करके समाप्त होना चाहिए ऐसा नहीं हुआ है दही बढ़ाई मेरे दिल को हक बैठे अरस्य कर उन्होंने मेरे हृदय को इतना महत्व दिया कि वो स्वयं आकर के उसमें बैठ गए अपनी अंगना जो जो अरस्य रूह क्यों न खोले नजर है जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने अंगना समझ करके उनके हृदय में बैठ जाते हैं तो ब्रह्मात्मा अपनी दृष्टि को क्यों नहीं खोलती है क्यों जागृत नहीं होती है दमना छोड़े मासुक को मेरी रूह की ए है वैसे देखा जाए तो आत्मा का ऐसा संबंध है कि आत्मा मूल रूप से तो एक क्षण भी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को छोड़ नहीं सकती भूल नहीं सकती क्यों बातें याद दिए ना आवही जो करिया भी चखेलवाता अब जब परमधाम की इन बातों को जो मूल मिलाव में चर्चा हुई है दूसरी बातें हैं उन सब के विषय में चर्चा करते हैं तो अभी वो बातें स्मरण में क्यों नहीं आ रही है जाको अनुभव होए इन सुख को ताए अलवत आवे याद जिनको परमधाम के इन सुखों का अनुभव हो तो उनको तो नितान्त रूप से ये सारे बातें याद आनी चाहिए अरस की रूहों को इश्क का क्यों भूले रस मीठा स्वाद परमधाम की आत्माएं होंगी तो उनको प्रेम का मीठा स्वाद कैसे वो छूट जाता है उनसे तो कैसे वो उसको भूल जाती है रूह कहलाए छोड़े क्यों अपना क्यों याद दिए जाए भूल तो यदि आत्मा कहलाए और अपने स्वभाव से स्वभाव को छोड़ दें और याद दिए दिए जाए दिए जाए भूल याद देते हैं याद दिलाते हैं और फिर भी भूल जाते हैं हके के यही वास्ते भेजा अपना नूरी रसूल तो इन्हीं ब्रह्मात्माओं के लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपना संदेश वाहक भी भेजा है तो यह नूरी रसूल कहने से केवल रसूल मुहम्मद जिनका असली नाम तो मुस्तफ़ा बेग था उनको ही भेजा ऐसा नहीं है जितने भी संदेश हैं जितने शास्त्र हैं वो सब परमात्माओं को संदेश देने के लिए बाकी दूसरे लोगों के लिए तो किस प्रकार से आचरण करना चाहिए इस दुनिया में रहते हुए कैसे जीना चाहिए ये बताने के लिए तो ब्रह्मात्माओं के लिए अरे तुम परम धाम के हो वो याद दिलाने के लिए तो उनको इस तरह से अब भूली हुई बातों को समझाने के लिए हम अरवाह जो अर की तीन सब अंगों इसका हम सब परमधाम की आत्माएं हैं हम सब हमारे शब के हृदय में तो प्रेम परिपूर्ण है शो क्यों जावे हमसे जो आड़ा होए ना हुकुमाह का ऐसा प्रेम हमसे दूर कैसे हो सकता है कि जो राज्य के आदेश और हमारे बीच में कोई व्यवधान रूप भी नहीं है वो तो पूरक है तो फिर हम ऐसे प्रेम को कैसे भूल जाते हैं ए निश्वत नूर जमाल से जो रूह को पहुंचे रंचक ये संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से जुड़ा हुआ है तो वो तभी यहाँ ब्रह्मात्माओं की शुरुता आई है तो यहाँ भी वो बातें थोड़े से रूप में भी तो यहाँ वो जुड़ी हुई है तो लाड़ अर्ष अजे में के क्यों भूले मुतलक जब दुनिया में भी इस प्रकार का है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने आत्माओं को ध्यान रख रहे हैं तो परमधाम में तो उनके लाड़ और लज्जत तो उनके प्यार का स्वाद तो उसमें तो कभी बोल ही नहीं सकते तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं हम परम धाम यहाँ भी सदगुरु ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने आकर के सदगुरु के रूप में हमें सब समझाया बड़ा प्रेम दिया तो परम धाम में तो कितना देते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं उसको हम कैसे बुला सकते पर हुआ हाथ हुकुम के जो हुक्म देवे याद किंतु ये सब श्रीराज्य के हुक्म के अधीन हुआ इसलिए हम सब कुछ भूल करके बैठे हैं और वही हुक्म आज हमें याद दिला रहा है हुक्म पहचान हो गई हुक्म आवेश स्वाद जो राज्य के आदेश से ही अब पहचान होगी हमारी और अब उसी से ये सारे घटनाएं स्मरण में आ जाएंगी कबूल करी हम हाँसी को और अपनी मानी भूल हमने ये कबूल कर लिया स्वीकार कर लिया सर राज्य ने हमारी हंसी करने के लिए ये खेल दिखाया है और हमने अपनी भूल भी मान ली स्वीकार कर ली है सब सुद पाई कुंजी से और फुरमान रसूल तो इस कुंजी से तारदम ज्ञान से भी पता चला रसुल कौन है और क्या कहना चाहते हैं ये बात भी समझ में आई और उनका वो क्या उनके माध्यम से क्या क्या संदेश भेजे हैं वो भी समझ में अब हुई पहचान हुक्म की एक जरा नहीं रही न सक अब इसमें कोई संदेह नहीं कि अक्षराति धामदनी ने किस प्रकार से आदेश दिया है उसकी पहचान हमें हो गई है बोझ हम सिर नारया हक हाँ इलमे देखाया मुतल अब हमारे शेर पर कोई बोझ नहीं रहा तो अब तो हमने जब अपने आप को राज्य के चरणों में सौंप दिया तो अब राज्य जाने उनका हुकुम जाने तो इसमें यह सब बातें इसी ज्ञान ने दिखाया निश्चित रूप से हमें समझाया अब भूल हमारी जरा नहीं और हक कर थके हंसी अब हमारी भूल मात्र भी नहीं रहेगी अब तो राज्य ही हमारे अशी करते करते थक जाएंगे बात आई सिर हुक्म के अब काहे बिलखे रूह खासी जब हुक्म के सिर पर सारी बातें चली गई तो अब आत्मा को ये खासी रूहा विशेष धाम की विशिष्ट पर आत्मा ब्रह्मात्मा तो उनको बिलखने की क्या आवश्यकता है तो बेलखना का तात्पर्य तड़पना, देखना था सो सब इश्क और पातशाई जो कुछ देखना था राज्य का प्रेम और उनका साम्राज्य सब देख लिया और हाँसे रूहो पर सब देखी जो देखाए और हाँसी रूहो इसका पर ब्रह्मात्माओं के प्रेम पर ही तो हंसी की थी तो ब्रह्मात्माओं ने हमारा प्रेम बड़ा था बढ़ा है ऐसा कहा था इसलिए सब देखी जो देखाई वो सब राज्य ने जो दिखाया है वो हमने देख लिया समझ लिया है क्यों ना होए हुकुम को हुक्म जो पहले किया इब्तदाएँ जब पहले तो राज्य ने हुक्म किया फिर उस हुक्म का विस्तार इतना बढ़ता बढ़ता गया तो अक्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म से फिर आ, वो ये सारा विस्तार बढ़ा तो उस तरह से हुक्म को अब हुक्म क्यों नहीं हो रहा है कराना चाह रहे हैं तो फिर तो ये सारा खेली समेट जाए हुई उम्मीद सबकी पूर्ण अब तो सबकी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं अब क्यों ना दीजिए रूहे जगाए अब आत्माओं को क्यों ना जगाए आप जगा दीजिए राज्य से प्रार्थना कर रहे हैं लाड़ हमारे अरस के हमसे न छुटे छिन्न परम धाम के हमारे प्रेम है वो हमसे क्षण भर के लिए भी नहीं छूट रहे हैं अकस हमारे के अकस क्यों लगे दाग तीन तो हमारे आकाश के भी आकाश कहने का तात्पर्य कि तो जो ब्रह्मात्माओं का प्रतिबिंब स्वरूप कहें पर आत्मा का ये वो वो स्वरूप है जिसने शरीर धारण किया है और उसका भी आकाश कह दिया तो जो जीव शरीर को धारण करके बैठा है उसके ऊपर में आई हुई ब्रह्मात्मा की सुरता सुरता और वो जीव आकाश का आकाश कहने का तात्पर्य है ये जीव है तो उससे भी निकृष्ट है ना तो उसको अब उसको उसको दाग क्यों लगे उसने भूल की इस तरह से उसको ऐसे दोषारोपण क्यों हो अब जो दिन राख हो खेल में सो याई के कारण अब जितने दिन तक आप खेल में रखेंगे तो आपके हुक्म के कारण ही है इसका देव बोलाओगे ऐसा हुक्म दे देखे मोमन तो ऐसा हम देख रहे हैं आपके हुक्म से कि आप प्रेम बढ़ा करके हमें बुला लेंगे आप प्रेम से ही हमें बुला लेंगे एक कहा हमारे अरस का उड़ावे चौदह तबक का वैसे देखा जाए तो परमधाम का एक तृण है वो भी चौदह लोक से विशेष है उसके समक्ष चौदह लोक भी नगण्य से हैं तो क्यों न उड़ेरुआ कसे बल लिए इसका जब प्रेम का बल लेकर के प्रेम का सामर्थ्य लेकर के ब्रह्मात्माएं दृढ़ हो जाएंगे तो श्रीराज जी ने दिया श्रीराज जी का ही दिया हुआ ये ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान है इसका सामर्थ्य लेकर के ब्रह्मात्मा जागृत हो रही है तो ये आत्मा तो इस इस प्रतिबिंबित जगत से अपने मूल में क्यों नहीं जाएगी तो, तो जाना चाहिए जो कदी कहोगे रूहें ये ना होती तो ये तो हुक्म है कि आ यदि कोई कहे कि ब्रहत्माएँ तो यहाँ है ही नहीं हो तो राज्य के हुक्म से ही ब्रहत्माएँ या ब्रह्मात्माओं का यहाँ होने का ऐसा फील हो रहा है ऐसा कह दें तो नाम हमारे धरे के हुक्म करे यूँ क्यों हमारा नाम लेकर के फिर ये हुक्म ऐसा क्यों करेगा कुछ तो हमारा यहाँ पर डाला है आपने तो ऐसा कह रहे हैं जो कभी हम आइया नहीं तो नाम तो हमारे धरे यदि हम नहीं भी आए तो लेकिन हमारा नाम तो हमारा ही रखा गया ना तो औरत में हुकुम हक का हक ताशों ऐसी क्यों करे और उनमें राज्य का ही हुकुम है और ब्रह्मात्माओं के साथ में अपने अंगनाओं के साथ में राज्य ऐसा क्यों करते अब तो सब ये करोगे तालने हमारे दाग तो हे दाम धनी अब तो हमारे दाग को मिटाने के लिए आप सब कुछ कर डालेंगे तुम रखिया यहाँ ऐसा जान के ना तो क्यों रहे पीछे हम जाग तो आपने ही रखा है अन्यथा जागृत जागृत होने के बाद में हम दुनिया में रहते क्यों हम तो नहीं रहते अब आपने रखा है कुछ और दिखाने के लिए तो कोई बात नहीं है हुक्म पर ले डारोगे तहकी कराओगे दिल अपने ही हुक्म पर अपने ही आदेश पर आप ऐसा कर रहे हैं तो हुक्म के हिसाब से टिका करके रखा है ये कहने का तात्पर्य तो तहकीक कराओगे दिल ये बात हमारे दिल में आप निश्चित करवाएंगे सुनिश्चित करवाएंगे दाग आकाशों क्यों मिटे जो हमारे नामों की सब मिल इतना तो हम मान लेंगे लेकिन हमारे नाम स... को जो दाग लगा है धब्बा लग गया है तो वो कैसे मिटेगा तो इस पर हमें थोड़ी सी चिंता है जो कदी ये दाग धोए डारोगे मनसा वाचा कर्म तो हमारे मन वचन कर्म से जो भी पाप कर्म अथवा जो भी हमने ऐसा बुरा सोचा है अथवा जो भी है तो वो दाग आप मिटा भी देंगे कभी तो अकश हमारे नाम के कदी रोए बातें तो करशी वतन फिर भी परमधाम में उसमें पर है तो फिर बात करेंगे ही हमने तो ऐसा शरीर धारण किया उस, तो उसके द्वारा ये काम हुआ वो हुआ ये बात तो परमात्माएँ करेंगी ही इन बात की हाँसियाँ अकश नाम भी क्यों सहे तो इस बात की हंसी ये जो प्रतिबिंब स्वरूप है ये सुरता रूप आत्मा है ये भी उसको कैसे सहन करेगी इसका इसके भी इस प्रकार के हसीों कैसे सान होगा हक बेराहा बात सुन के झूठी देह पकड़ क्यों रहे तो सर राज्य के बिराह की बात सुन करके ये झूठी देह को पकड़ करके आत्मा कैसे बैठ रही है तो उसको जागृत होना चाहिए और एक तरफ आपका हुक्म और दिखा रहा है खेल दूसरे तरफ तो आपका ये ज्ञान है तो उसके माध्यम से हम भी इस बात के निकट पहुंचे हुए हैं तो इसलिए ये झूठी देह को पकड़ करके क्यों बैठे हैं ये शरीर क्यों टिका हुआ है हम परम धाम में क्यों जागृत नहीं हो रहे हैं तो इस प्रकार की बात बता रहे हैं पहले परमात्माओं की बात करेंगे उसके बाद में दुनिया की बात करेंगे फिर तोलना बताएंगे अभी के प्रश्न को यही रखते श्री कृष्ण का नैया लाल की झूठी पकड़ झूठी दे पकड़ क्यों रहे इन बात की हाशियां अक नाम भी क्यों से बात रहा बाप सुन के झूठी देहा पकड़ क्यों रहे झूठी दे पकड़ क्यों रहे